जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यार आज की वीडियो ग्रीस वर्क परमिट के बारे में है, यूनान वर्क परमिट के बारे में है। तो ये वीडियो जो है ना यूनान जाने वालों के जिन्होंने अप्लाई किया या जिनके पासपोर्ट रिसीव होने वाले हैं या जो अब करना चाह रहे हैं, ठीक है, उन सब के लिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे जो मेन सवाल इस वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, ठीक है, वीडियो के नीचे भी कमेंट्स किए जा रहे हैं, भाई मैंने जो है ना ग्रीस का वर्क परमिट अप्लाई करना है तो मेरा कज़न है, ठीक है, मेरा भाई है, तो मुझे मेरा एजेंट बोल रहा है, ठीक है, आपने जो है ना वर्क परमिट आने के बाद जो है पैसे देने, उससे पहले आपने पैसे नहीं देने तो हमें बताएं हम क्या करें, हम जो है ना अपने कागज़ डॉक्यूमेंट्स जो है ना दे दें और सही है। तो भाई मेरी जो है ना बात, मैं आपको जो है ना इस ये दो हफ्ते की जो है ना वीज़ा रेशू के बारे में बात बताऊँ, ठीक है। इन दो हफ्ते के अंदर जो ना मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो टोटली वीज़े लगे ना, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, ठीक है, वो जो है ना टोटली 9 वीज़े लगे हैं। दो हफ्तों के अंदर सिर्फ और सिर्फ 9 वीज़े लगे हैं और जो वीज़े रिजेक्ट हुए हैं वो मेरी और आपकी सोच है, ठीक है, रोज़ाना की बेस के ऊपर जो है ना, यानी कि हफ्ते एक दिन का एक भी वीज़ा नहीं बनता ये, सही है। तो इतनी गंदी वीज़ा रेशू है, ठीक है, लिहाजा मेरे जितने भी भाई जो है ना मेरे पाकिस्तानी भाई, ठीक है, ख़ास करके मेरे सब्सक्राइबर मेरे व्यूवर, ठीक है, मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, अपील है, रिक्वेस्ट है, ठीक है, मेरे प्यारे भाइयों ग्रीस का ना अप्लाई करें, आपका बहुत नुकसान होगा, आपका जो है ना वर्क परमिट का खर्चा भी वेस्ट होगा, आपका मेडिकल का भी खर्चा वेस्ट होगा। अगर आपका जो है ना आपका दूसरा नॉन सीजनल है तो फिर 180 यूरो फीस भी जाएगी, ठीक है, तो अगर आप दूसरा है, ठीक है, इसमें जो है ना आपका बहुत ज़्यादा लॉस है, ठीक है, बाकी जिस तरह आपको बेहतर लगता है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो है ना बात ये करते हैं कि भाई हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, हम रीअपॉइंटमेंट कर दें। भाई रीअपॉइंटमेंट जो है ना ग्रीस की रीअपॉइंटमेंट जो है लेनी बहुत मुश्किल है, उसके लिए आपको जो है ना ग्रीस के अंदर वकील हायर करना पड़ता है, उसको 300 यूरो 400 यूरो फीस अदा करनी पड़ती है, सही है, और आपका दोबारा से जो ना खर्चा वो 800-900 यूरो तक पहुंच जाता है और वीज़ा आपका फिर नहीं लगना। ग्रीस रीअपॉइंटमेंट के ऊपर तो आज तक जो है ना, पहली बात तो जो है ना बहुत कम लोगों ने जो है ना ग्रीस रीअपॉइंटमेंट ली है, सही है, क्योंकि उसका जो है ना प्रोसीजर बहुत लंबा है और जिसने ली है उसका वीज़ा स्टैम्प नहीं हुआ। रोमानिया का हुआ है, रोमानिया का रीअपॉइंटमेंट के ऊपर बहुत वीज़ा स्टैम्प हुए हैं और मिल भी आसानी से जाती है, लेकिन ग्रीस के लिए जो है ना आपको बहुत जो है ना प्रोपेगेंडे करने पड़ते हैं फिर जाकर जो है ना रीअपॉइंटमेंट मिलती है, ठीक है, ये बात होगी। उसके बाद जो है ना भाई बोलते जी डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमें बताएं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स भाई वो ये जिस जेंट से आपने अप्लाई करना वो उसने आपको सब कुछ बता देना, आपका पासपोर्ट है, आईडी कार्ड है, वाइट बैकग्राउंड पिक है और आपकी वालदा का आईडी कार्ड है, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट ग्रीस का चाहिए, ठीक है, और आपका जो है ना बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स है, बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वही जो हर कंट्री के लिए चलते हैं, लेकिन एक दो डॉक्यूमेंट्स जो है ना इसके लिए जो है ना एक्स्ट्रा हो जाता है। बाकी रही बात जो है ना इसका वर्क परमिट इसका जो है ना 40 से 45 दिन के अंदर आ जाता है, वर्क परमिट का मसला नहीं है, ठीक है, मसला ये है कि वीज़े का, सही है। अच्छा एक और सवाल जो है ना भाई, हम जो है ना अगर वर्क परमिट निकाल लें, हम जो है ना ओमान के अंदर, दुबई के अंदर या किसी और कंट्री के अंदर, हम जो है ना गल्फ के अंदर हम इंटरव्यू दे दें, भाई मैंने जो ना जिधर से भी मैंने मेरा जो एक्सपीरियंस के मुताबिक जिधर से मुझे कोई इन्फॉर्मेशन आई है किसी कंट्री से भी गल्फ से भी, ठीक है, ग्रीस की गंदी ही आई, ठीक है, बाकी जिस तरह आपको बेहतर लगता है, ठीक है, दुबई से आप चांस ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये एक ज़रूरी नहीं है आपने यूनान ही जाना, और कंट्रियाँ ख़त्म हो गई है, बहुत कंट्री बड़ी है, ठीक है, आप किसी और कंट्री का अप्लाई कर लें। मैं तो आपको यही रिकमेंड करता हूँ, अगर यूरोप की नस्बत देखा जाए तो वो इस वक्त जो है ना ग्रीस है, बाकी जिस तरह आपको बेहतर लगता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।